चले तो आज की जो टॉपिक है वो क्या है अपना, वाटरमेलन। कुकर बीट्स जनरल पढ़ चुके हो, सारे सब्जियों को देख लिए, 10-20 मिनट आप इधर देखते रहो, आज की क्लास खत्म हो जाएंगे। वाटरमेलन इंपॉर्टेंट है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट अपने बना लेते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाएं। चलो बताओ, मेन मेन पॉइंट बता दो। बोटनिकल नेम क्या पढ़ लिया है वाटरमेलन का? सिट्रस लेनेटस लिखा होगा ना, ये लिखूं कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो ये इसको एक पढ़ देता हूं ऐसा ही केवल। क्या है? सिट्रस लेनेटस। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है स्लाइड में, घबराना नहीं, आगे जाके देखोगे तो हिंदी में भी लिखा हुआ है सिट्रस लेनेटस। कौन सी फैमिली है? कुकरबिटेसी। ओरिजिन कहाँ है? ट्रॉपिकल अफ्रीका। कौन सा भाग खाओगे? फल। और 2N की संख्या कितनी है? 22। और सीड रेट मैंने बताया था जनरली कितना, 3.5 से 5। ये बेसिक पॉइंट है जो आप अपने आप करोगे। अब हम कहानी को आगे शुरू करते हैं आज की। देखो आप, इसका दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक, जब कुकरबिट्स के आप फल को देखते हो तो सबसे पहला दिमाग में आया अपना क्या? तरबूज। ध्यान देते रहना, इसे हम कहते हैं वाटर मिलोन। क्या बोलोगे? और वाटर मिलोन के, अब इसके सबसे पहले आपने फल देखा? बातें नहीं भाई, सब देख लिया ये फल। इस फल के अंदर अगर पूछा जाए कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। और अगर आपसे तत्व पूछ लिया जाए, एलिमेंट पूछा जाए कि कौन सा एलिमेंट इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो वो है पोटेशियम। दो याद रखोगे, नए पॉइंट है। कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो कौन है? विटामिन सी। कहीं नहीं मिलने वाला है ये पॉइंट आपको। और कौन सा तत्व पाए जाते हैं? पोटेशियम। तरबूज एक ऐसा फल है, असर फल है, ये सब्जी पढ़ाते हैं गुरुजी, तो ये फल है। क्या है? अब तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, फल है। ये क्या है? जो ओवरी से बनते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? फल। यह एक ऐसा फल है जिसमें सर्वाधिक पानी पाया जाता है। सर्वाधिक अगर जल पूछा जाए कौन सा फलों में मिलेंगे आपको, तो कौन सा है? तरबूज। जिसमें मात्रा कितने होते हैं? 92 से लेकर 95% जल किसमें मिलेगा? तरबूज में। और इसके क्या प्रश्न आएगा? इस तरबूज के अंदर, ये तरबूज का क्या है? फल। इसमें एक पाया जाता है विषैला पदार्थ। क्या पाया जाएगा बताओ? विषैला पदार्थ को अंग्रेज लोग क्या बोलेगा? टॉक्सिक सब्सटेंस। और उसका नाम कोई बताओ? तरबूज में, तरबूज में पाया जाता है सेरोटोनिन। क्या पाया जाएगा? ये सारे प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। कौन सा है? सेरोटोनिन। लेकिन यही आपको पूछ लिया जाए कोल क्रॉप में, तो यहां पाया जाता है सिन ग्रीन। क्या पाया जाएगा? सिन ग्रीन। यही पूछ लिया जाए बैगन में, तो यहां पाया जाता है सोला सोडीन। क्या पाया जाएगा? सोला सोडीन। और यही पूछ लिया जाए टमाटर में, टमाटर और पालक में, तो यहां पाया जाता है सापोनीन। सेपोनिन होता है, सेपोनिन, सेपोनिन। क्या पाया जाएगा? चार स याद रहेंगे। अभी बड़ा इजी है, अरे सर सामने लिखा हुआ है याद। ऑप्शन जब आते हैं ना तो दिमाग खराब होता है, उस समय ऐसे कोल क्रॉप था है, या ये था, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब आप सीमा रेखा से बाहर। अगर इजी प्रश्न आपने गलत कर दिया तो जो जॉब की तैयारी कर रहे हो वो अगले साल तैयारी करने में लग जाओ, और जो गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं वो प्राइवेट की ओर देखो। एक दो क्वेश्चन ही बैरी करता है। तो बताओ,
तरबूज में विषैला पदार्थ क्या है? सेरेटोनिन। कोल क्रॉप में क्या है? सिनग्रीन। बैगन में क्या है? सोलासोडीन। टमाटर पालक में? ये हो गया इसकी फलों की चर्चा। असर फल में और चर्चा करो, थोड़ा अच्छा लग रहा है, करते जाओ। अब हम जैसे ही फल की बात करेंगे तो इसका बनेगा फ्रूट टाइप। क्या बनेगा बता? जिसे हम कहते हैं फल प्रकार। क्या बोलोगे? जानते हो ये ना स्लाइड मेरे पास पूरा लिखा हुआ है, पर फिर भी मैं, जानते हो, आज मन कर रहा है लिखाक पढ़ाऊं। कभी कभी ना अच्छा लगता है लिखाक पढ़ाने में। कहां थे अपन? फल प्रकार तो बताओ, तरबूज का फल प्रकार क्या है? अरे भूल गए सब। इसके फल प्रकार हैं पेपो। क्या नाम है बताओ? पेपो। अच्छा, कल कितने कुकरबिट्स का दर्शन करवाया था बताओ? 17। कितने कुकरबिट्स का दर्शन करवा दिया हूं? इन 17 का अगर नाम पूछा जाए तो बता दोगे सब? हैं, 5-10 तो बता दोगे? अरे 5 तो हमारे वो है, देखो खीरा के, एक लिखता हूं, देख आज आज नया पॉइंट लिखता हूं, तुझे अच्छा लगेगा। शादी विवाह का मौसम आने वाला है, खीरा के तिलक पे, खीरा के तिलक पे टिंडा, इसका दोस्त ले लेता हूं पेठा। टिंडा पेठा मुस्कुराया, मुस्कुराया हो रहा था इसका तिलक समारोह। किसका हो रहा था बताओ? तो खीरा के तिलक पे कौन मुस्कुराया बताओ? टिंडा पेठा ये दोस्त थे, ये दोनों क्या है? मुस्कुराया। और दो जानते हो कौन? जब भी शादी समारोह का कभी फंक्शन होते हैं ना, तो देखा होगा कि हम लोग तो लगे हुए हैं उसकी तैयारी में, यार उधर सब्जी कम है, उधर ये कम है, उधर। लेकिन जो नया लड़का होगा, 16 साल वाला, 17 साल वाला, वो अपनी अंदाज में ही रहेगा। उसको खाने पीने से कोई मतलब नहीं, उसको अलग दुनिया है। तो अलग दुनिया में कौन था? एक लड़का खुरदरा था। खुरदरा का मतलब काला। तो काला जो रहेगा ना, वो दिमाग गोरे पे ही लगाएगा। और गोरा है चिकनी, कौन है? तो खुरदरी क्या है बताओ? खीरा के तिलक पे टिंडा पेठा मुस्कुराया, खुरदरी चिकनी ने चोच लड़ाया, लड़ाया। अब ये देखो एक पॉइंट, फिर कौन है? खुरदरी और चिकनी ने क्या किया? अब ये चोच क्या है बताना? चोचो क्या है? और चोचो के क्रोमोजोम की संख्या कितनी है? 20, कल बता चुका हूं। और इधर एक लास्ट बन गया, इसको मैं बड़ा बना सकता था लेकिन छोड़ देता हूं। अब ये जो चोच लड़ा रहा था ना, तो कद्दू भाई जो थे ना, वो वीडियो बना रहा था। अच्छा, खुरदरी और चिकनी ये चोच लड़ा रहा है, बोलूंगा हरे राम सर को, क्लिप भेजूंगा, यूट्यूब पे चढ़ा देगा। तो ये कद्दू, इसको रहने देता। अब आप बताओ, खीरा का हमने बोला था सबसे कम क्रोमोजोम कितना होता है? 14। तिलक से आपको याद आ जाएगा तरबूज, कौन आ गया? ल से कौन हो गया? लौकी। क से कौन हो गया? करेला। क से अप्पा से परवल। प से कम ये चार तो याद रखना, इसी की क्रोमोजोम आते हैं। पहले पलक तक लिखते थे, उसमें करौंदा आ जाता था। तो खीरा के तिलक पे जैसे याद रखना है, तरबूज, लौकी, करेला, परवल, पॉइंटेड गार्ड, बीटर गार्ड, बोटल गार्ड और वाटर मिलोन, इन सब के क्रोमोजोम की संख्या होते हैं 22। इसका कितना होगा? 22। इसका कितना है बताओ? 14। खीरा के टिंडा, यहां से क्या आ जाएगा? टिंडा। और कौन आ गया? पेठा। पेठा को बोलते हो वैक्स गार्ड। कौन सा गार्ड है? वैक्स गार्ड। तो वैक्स गार्ड। और मुस्कुराया का मतलब मस्क मिलोन, कौन सा मिलोन है? तो ये तीनों के क्रोमोजोम की संख्या होते हैं 24। तो सीक्वेंस में लिख दिया हूं ताकि आप गलत नहीं करोगे, 14, 22, 24। अब आ गया चिकनी और खुरदरी, इसका होता है 26, यानी स्पॉन्ग गार्ड। और कौन सा गार्ड है? रिज गार्ड। स्पॉन्ग गार्ड और रिज गार्ड, इसका कितना होता है? 26। और यहां बचा चोचो, चो, इसका कितना हो गया? 28। और कद्दू के तीन भाई, एक तो पंपकिन,
दूसरा समर स्कॉश और तीसरा विंटर स्कॉश। तीसरा विंटर स्कॉश, इसके हो गए कितने? 40। तो ये एक लाइन में अपने कुकरबिट्स का सारे हो गए क्रोमोसोम नंबर। क्या है बताओ? खीरा के तिलक पे टिंडा पेठा क्या हुआ? मुस्कुराया, खुरदरी चिकनी ने चोच लड़ाया, और ये लास्ट में कौन आ गया? कद्दू, जिसके गुणसूत्र क्या होते हैं? 40। कितने होते हैं बताओ? इसमें लौकी की क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 22। तरबूज का कितना होगा? 22 तरबूज का। और इन सब जो नाम लिखा हूं, ये सारे क्या है? कुकरबिट्स। इन किसी का भी फल प्रकार पूछे तो इनका पेड़ ऐसे होता है। तो इसको आप बोलते हो राजस्थान में बेलड़ी, कि बेलड़ी क्या बोलते हो? सही है, हम लोग बोलते हैं इसमें लत होता है। क्या होता है? लत। तो ये लत वाले जो है, इसके लत वाले, जिसको VIN वाइन बोलते हो, W नहीं है, वो तो शराब हो गया, वो घटक जाओगे। इन सब का फल प्रकार क्या होता है? पेपो। बताओ, परवल का फल प्रकार पेपो, तरबूज का पेपो, टिंडा का पेपो, समरसकोस पेपो, विंटरसकोस पेपो, समरसकोस पंपकिन। इन सब की ओरिजिन पूछ लिया जाए, उत्पत्ति भी मैं करवाया हूं, उत्पत्ति मैक्सिको, उत्पत्ति जो बेकार लगे उसका भारत, जो बेकार लगे वो कौन है? बेकार वाले कौन कौन थे बताओ? लौकी, करेला और चोचो, खुरदरी, चिकनी, ये सब कहाँ है? भारत। बाकी कहाँ है? मैक्सिको। और जो बचा, जैसे तरबूज बचा, खरबूज बचा, इसका ट्रॉपिकल अफ्रीका। कहाँ है? ट्रॉपिकल अफ्रीका। चलो, जब हमने नाम इतना लिख दिया तो इसी के साथ साथ बीज दर के साथ, सॉरी, सीड रेट का भी कर लेते हैं पॉइंट। कौन कर लिया बताओ? बीज दर। सारे कुकरबिट्स का सीड रेट एक बार पढ़ोगे ना तब अच्छा रहेगा। अभी तीन बार तो मैं और पढ़ाऊंगा, एक बार पहले पढ़ा चुका हूं। सीड रेट मैंने बोला था इसके तीन भाग में बनाना। जनरली कुकरबिट्स का सीड रेट होता है 3.5 से लेकर 5 KG। कितने केजी बताओ? 3.5 से लेकर कितने केजी? 5। तो एक तो होगा इधर वाले ज्यादा, 3.5 से क्या लिखोगे? ज्यादा। और एक हो गया 3 से कम, यानी 3 से कम 1 से 2.5 KG के बीच, 1 से 2.5 KG के बीच। तो ये कम वाले कौन कौन थे? एक तो खीरा, खीरा का कम होता है। दूसरा खरबूज, खरबूज का क्या होता है? कम, 3 KG के आसपास, 2 से 3 यहां रख सकते हो। उसके बाद लौकी, लौकी का, लौकी नहीं, कद्दू, कद्दू जिसको पंपकिन बोलते हो, क्या बोलते हो? पंपकिन। इसके सीड रेट कम होंगे। क से कद्दू, क से ककड़ी, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग मिलोन, क्या बोलोगे? इन सब का बीज दर आ जाए तो इसका होता है 1 से 2 KG के आसपास। तरबूज का इतना, खीरा का भी 1.5 से 2 KG के आसपास। एप्रोक्स लिख रहा हूं ताकि आप एक बार पहुंचो तो 3.5 के आसपास आपको जनरली जो भी मिले उसका कितना रख दोगे? 3.5। तरबूज आ जाए, करेला आ जाए, इन सब का कितना? 3.5। अब यहां लिख देता हूं लौकी। लौकी लंबा होता है, बीज दर ज्यादा, 5 से 6। टिंडा पूछ लिया जाए तो इसका भी 5 से 6। तो इन दोनों का याद रखना, इधर ज्यादा, और बाकी जो कुकर बीट्स बचे उसका 3.5 से कहां रखना है? 5। एप्रोक्स अभी हम कि उसके इर्द गिर्द पहुंचने के लिए ये ट्रिक बना दिया। 3.5 से 5 जनरली सारे कुकरबिट्स का रखेंगे। कम रखना है तो ख से खीरा, देखो एकदम इजी है, एक बार देखोगे कर लोगे। खीरा खरबूज कम रखेंगे, कद्दू ककड़ी कम रखेंगे, खीरा, अरे ऐसे याद रखोगे, क ख वाले को कम रखेंगे। हो गया? क ख वाले क्या है? कम। क से ककड़ी, क से कद्दू, ख से खीरा, ख से खरबूज। जनरली कितना रखेंगे? 3.5 से 5। ज्यादा किसका है? लौकी लंबा है इसलिए क्या है? ज्यादा। और टिंडा का रखेंगे 5 से 6। तो फल प्रकार आपने कर दिया। फल प्रकार क्या है बताओ जल्दी से? पेपो। अगर मैं पूछूं तरबूज के गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 22। खरबूज के गुणसूत्रों की संख्या कितना है? खरबूज, खरबूज 24। चोचो का कितना है? चोचो 28। परवल कितना है? तिलक पे, तिलक पे, पसे परवल, परवल का 22।
अच्छा अब मैं आपसे पूछ लूं, अगर आपके दिमाग में ऐसे दे दिया जाए कि बताओ एक कुकरबिट्स का नाम लेता हूं करेला, तो करेला के कितने होंगे गुणसूत्रों की संख्या? बीटरगार्ड 22। लौकी पूछा जाए तो लौकी का भी 22, तो ये याद होना चाहिए आपको। अच्छा अब टिंडा का पूछ लिया जाए तो टिंडा का 28 ना। टिंडा पेठा मुस्कुराया, तो टिंडा पेठा का कितना है? और देखो मैंने ट्रिक भी ऐसे लिया, 14 22 24 26 28 40, 14 22 26 28 40। 40 किसके होते हैं? 40 कद्दू। अब आ जाते हैं एक और पॉइंट, इसमें इंपॉर्टेंट है जरा देखो, वो है अपना क्या, ये जो तरबूज होते हैं ना, इसमें एक प्रश्न बनेगा आपको क्लाइमेट्रिक, और दूसरा सब्जियों में सर कहीं नहीं पढ़ाए हो, यहां पढ़ा रहे हो तो यहां जरूरत पड़ेंगे हमें, एक तो क्लाइमेट्रिक और दूसरा नॉन। देखो अगर फलों की बात करता तब तो 1 मिनट में बच्चा कर देगा, जो फल मीठा होते हैं वो क्या होगा? क्लाइमेट्रिक। चाहे आप केला की बात करो मीठा होगा, पपीता मीठा होते हैं, आम मीठा होते हैं, चीकू मीठा होते हैं, कटहल मीठा होते हैं, ये कर दोगे। इधर खट्टा होता है या कड़वा लगेगा, तो ये क्या हो गया? नॉन क्लाइमेट्रिक। जैसे अब बताओ इसमें अनार क्या होगा? उसके दाने कड़वे लगते हैं इसलिए नॉन क्लाइमेट्रिक। नींबू क्या होगा? खट्टा लगते हैं, आंवला कड़वा लगता है, नॉन क्लाइमेट्रिक। अच्छा बताना स्ट्रॉबेरी क्या है? नॉन क्ला स्ट्रॉबेरी। आधा ज्यादा लड़का तो खाया ही नहीं होगा बेचारा, अब खाओगे नहीं तो कैसे पता लगे? खट्टा लगते हैं मीठा। अब मैं पूछूं सेब क्या होते हैं? क्लाइमेटिक। अच्छा सेब तो खाया होगा, थोड़ी सी टुकड़ा खाया होगा। एक सेब तो खाए हुए बताना कितने दिन हो गए होंगे कि पापा एक सेब पूरा दिए, बेटा ये तेरे लिए ना। सेब को 6 भाग 6 परिवार, 6 भाग 6 परिवार। अब बताओ, अब मैं बोलू आलू बुखारा, सर ये फल भी होते हैं क्या? होते हैं। खाए हो? अब नहीं खाए। चेरी खाए हो? चेरी का टेस्ट बताना जीभा पे कैसा आया था? आवाज कम रहे हैं ना, आवाज दब रहे हैं, इसका मतलब चेरी देखा ही नहीं होगा, खाया क्या होगा। अब आ जाओ एक और बताना, अनानास की बात बताओ। अनानास पाइनएप्पल, अरे इसका जूस पिया होगा? कभी कभी हम लोग जाते हैं ना जूस के दुकान पे, 6 महीने में कहाँ भर जाएंगे, और नवाबी देखना उसका, बोलेगा भैया एक गिलास बना देना, तो बोला ठीक है बना देता हूँ, क्या क्या डालू? तो कितने फल हैं आपके पास? सब डाल दो, लड़का तेज है, हरिराम सर से पढ़ा हुआ है, वो एक ही 25 रुपये में सारे फल डलवा देगा। अरे भाई कम तो करो। तो ये अनानास, अनानास का कैसा होगा? खट्टा। तो ये भी है नॉन क्लाइमेटिक। सब्जियों में कैसे पता करोगे? फल तो हम सब करवा देंगे, सब्जियों में। फल में एक और पूछ लेता हूं, काजू नॉन क्लाइमेट। अरे इसका परिभाषा क्या होता है जानते हो? नॉन क्लाइमेट्रिक, ऐसे फलों को ना पूर्ण पकने पे ही तोड़ेंगे। क्या बोला मैंने? पूर्ण पकने पे तोड़ोगे, पकने पे। पहले तोड़ दिया ना अगर इसको तो सिकुड़ जाएंगे, और इसको आप पहले तोड़ सकते हो, इसको पहले तोड़ देना, आराम से हिलते हिलते जाएगा, पकेगा। तो ये है क्लाइमेट्रिक। अब इस सब्जियों में क्या करना है, इसका तो कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, तो यहां गलत करोगे। जैसे एआरएस नेट उठ में पूछा हुआ है, वाटरमेलन क्या है? क्लाइमेट्रिक है नॉन क्लाइमेट्रिक? या पूछ लेगा निम्नलिखित में कौन क्लाइमेट्रिक है, तो यहां दिक्कत आएंगे। ये 5 याद कर लेना। देखो सब्जियों में तुझे कड़वा, पहले के खीरा खाती थी, खीरा खाए गांव वाले, उसको ऊपर से ऐसे काटते थे, नमक लगाते थे, लगाते थे ना, वो उसका है तीखापन को निकालते थे, उसमें कड़वाहट पाई जाती है कुकर विटिसिन के कारण, और एक प्रभाव होता है खीरा में जिसको मेटाजीनिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? खीरा में पढ़ाऊंगा। तो ये खीरा हो गया, कड़वा लगेगा। तरबूज की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। अब मिर्च की बात करूं तो ये आपको नॉन क्लाइमेट्रिक। कद्दू की बात करूं तो ये क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक। ये पंपकिन हो गया, ये चीली हो गया, शिमला मिर्च, ये वाटर मिलन हो गए, ये कुकुम्बर हो गया। इतना याद रखना नॉन क्लाइमेट्रिक। बाकी हम किधर आ जाएंगे? क्लाइमेट्रिक। और इसमें 2-3 पूछते हैं, वो ध्यान होना चाहिए आपको।
एक टमाटर का पूछ लेगा आपसे इम्पोर्टेंट, और एक खरबूज पूछेगा, दो ही याद रखना, ये क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट। इसको आप लिख लेना कहीं भी, ये गलत कर दोगे क्योंकि इसमें कोई ट्रिक तुम्हारा काम नहीं आएगा। ठीक है, चले आगे। तो ये हो गए क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। अब कुकरबिट से एक और महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं, वो है इसका दियारा कल्टीवेशन। क्या नाम है बताओ? दियारा, दियारा खेती, दियारा कल्टीवेशन। बताओ किसे कहते हो दियारा? मोहन जी, किसको कहते हैं दियारा? नहीं पढ़ाया कुछ? नहीं पढ़ाते हैं? क्या है दियारा खेती? नदियों के किनारे, नदियों के किनारे। एक तो ये पॉइंट हो गया, खेती ये कहां होगा? रिवर बेड के साइड में, ये नदी बह रहे हैं, इसके किनारे ये प्लॉट है अपना, इसके किनारे जो खेती करते हैं ना, ये कौन सी खेती हो गया बताओ? सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि यही होते हैं ना, गंगा का मैदान, इन सब में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि नदी बहेंगे ना तो ये एकदम नया नया मिट्टी यहाँ आता रहेगा, साइड साइड आते रहते हैं ना, न्यू न्यू मिट्टी आते रहेंगे, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी न्यू मिट्टी होते हैं। क्या होते हैं? नया। और इस नए मिट्टी में क्या है, ताकत इसकी क्या रहेगी? ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो जहां से ये गंगा उंगा बहते हैं ना, देख लो वहां की उत्पादन क्या होती है, ज्यादा उत्पादन, ज्यादा। अब नदियों के किनारे ये कौन सी सीजन का है? तो ये आप याद रखोगे, ऑफ सीजन का उदाहरण है। किसका है? देखो, तरबूज को कब बोते हैं? अगर तरबूज की बुआई की बात करें तो मैंने बोला था इसका हम खाते हैं फल। क्या खाते हो? अब फल के लिए दो मौसम, एक तो फरवरी मार्च और एक कौन, जून जुलाई। तो ये तो हो गए इसका मौसम, ये तो हो गया इसका क्या, ये हो गया तरबूज का या कुकरबिट्स का मौसम, जलवायु जिसमें हम इसको लगाएंगे। लेकिन अब शब्द है ऑफ सीजन, बेमौसमी, बेमौसमी, बिना मौसम के। तो ये दो तो मौसम हो गए, तो और एक मौसम कौन बच गया? अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर। एक्चुअल में ये लगाते हैं दिसंबर और जनवरी में, ठीक है, या दिसंबर ही रखना, नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर में तरबूज को नदियों के किनारे लगाते हैं। और ये याद रखना, राजस्थान की तरबूज इंडिया की सबसे नंबर वन मानी जाती है। किसमें? दियारा खेते। किसमें? आप देखे होंगे फरवरी मार्च का महीना में, फरवरी मार्च कब याद दिलाओ, जब सरस्वती पूजा होते हैं ना, नए साल होते हैं हमारे, उस समय मार्केट में तरबूज आ जाते हैं। तब वो तरबूज कौन आता है? दिसंबर में लगाते हैं और 2-3 महीना में मार्केट में आ जाएगा। तो पूछ लेगा वो कौन सा खेती का है बताओ? दियारा खेती का। कौन सा खेती का है? दियारा खेती। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दियारा खेती का आपने कर लिया। चलो अब अगला पॉइंट समझ लेते हैं। अगर दियारा खेती की बात करें तो सबसे नंबर वन कौन सी कुकरबिट्स है? नंबर वन कुकरबिट्स, नंबर वन कुकरबिट्स इन दियारा खेती, दियारा कल्टीवेशन, नंबर वन मस्क मिलोन। किसको रखोगे? मस्क मिलोन, खरबूज को। और नंबर टू किसे रखेंगे? तरबूज को। नंबर टू किसको रखोगे? ये गलती मत कर देना। सबसे अच्छा दियारा में किसकी खेती होती है? मस्क मिलोन, खरबूज की। किसकी होती है? सेकेंड में नंबर कौन आएगा अपना? तरबूज। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये लड़का बोल रहा है, सर आज कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हो। कमेंट कौन क्या कर रहा है रे सर, आवाज कम आ रहे हैं। राजेश जी इधर देखो तो, आवाज कैसे कम आ रहा है, इतना देर पढ़ा दिया तो। आवाज बढ़ा लो मोबाइल का सब अपना। चले,
ये हो गया आपका क्या दियारा, मैं भूल जाता हूं आगे क्या पढ़ाना है। अच्छा बताओ, अब इसका मेन मेन पॉइंट आ जाए, एक आ जाते हैं पीजीआर, कितने पत्तियों पे पीजीआर का छिड़काव करोगे। तो बताओ अगर इसको हम करना है ट्रांसप्लांटिंग, तो ट्रांसप्लांटिंग के पहले किसका उपयोग करते हैं, पीजीआर। तो दो से चार पत्ती, दो से चार लीफ स्टेज, बताओ ये पौध कितने पत्ती का हो जाए, दो से चार। इस अवस्था में किसका उपयोग करते हैं, पीजीआर। दो से चार पत्ती, दो से बना देता हूं ये चार पत्ती रहेंगे, उस अवस्था में किसका उपयोग, पीजीआर। पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का हम क्या करते हैं उपयोग, कितने पत्ती पे करोगे, दो से चार। अब इसका पूछ लेगा तुमसे जलवायु क्या होते हैं, बताओ जलवायु। अभी आपने बोला क्लाइमेट, इसको गर्म जलवायु चाहिए, इसीलिए ये कहलाता है समर सीजन। जिसका फल खाते हो वो कैसा कहलाता है, बताओ समर सीजन। इसकी बुआई पूछ लेगा तो आप बता दिए हो, तरबूज की बुआई कब करोगे, फरवरी मार्च, या हम कब करेंगे, जून और जुलाई। और जब दियारा में लगाओगे तो इसकी बुआई हम कब करेंगे, दिसंबर में। कब करेंगे, दिसंबर। अब इसकी सीड रेट पूछ लिया जाता, बीज दर, तो कितना होगा, 3.5 से कितने केजी के बीच, 5 केजी, कितने बीच, 5। तो ये हो गया इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, जलवायु, बुआई और दियारा खेती। अब आ जाते हैं कुछ इधर, चलो अब स्लाइड देख लो 15-20 मिनट। ये है तरबूज। तरबूज में अगर देखा जाए तो मैंने आपको बता दिया कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में, एक बार देखते जाओ ठीक कराते जाना मुझे, कौन सा विटामिन, विटामिन सी। कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो पोटास। सबसे ज्यादा कौन सा है, पोटास। अगर एग्जाम में पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, तो 7.55 ग्राम। आप जानते हो किसी भी सब्जियों में कमी किसकी होती है, तो कमी होती है वसा की। कमी किसकी होती है बताओ, अगर पूछा जाए सब्जी में किसकी कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जिसको फैट बोलते हो, मिनरल्स और विटामिन, किसकी कमी पूछा है, कमी। तो कमी किसकी होती है बताओ, वसा की। किसकी कमी होती है, सब्जियों में कम क्या पाए जाते हैं, फैट्स, 0.15 ग्राम केवल कमी होते हैं इसमें। तो देखो ये सारे विटामिन बी भी पाया जाता है, ई भी पाए जाते हैं, ये मैं जान के लाया कि कोई भी सब्जी होते हैं ना उसमें सब विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन हम किसका नाम लेते हैं। अरे देश में बहुत सारे पार्टी है, पर जो प्रधानमंत्री बनता है उसी के तो नाम होते हैं ज्यादा। सेम ऐसा ही पार्टियां बहुत है, पर जिसकी बहुमत ज्यादा है उसका नाम लेते हैं। ऐसा नहीं कि आम में विटामिन बी नहीं पाए जाते हैं, आम में सी नहीं पाया जाता है, आम में ई नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं पर उसकी मात्रा क्या होती है, कम। अब आम में ज्यादा क्या होता है, ए। इसीलिए हम नाम किसका लेते हैं, विटामिन ए। किसका लेते हैं। अब इसमें देखो सब तत्व पाए जाते हैं या नहीं, ये आपको दिखाना जरूरी था। क्या कितने लड़के बोलते हैं, अरे सर उसमें चुकंदर में सोडियम ही पाए जाते हैं, आप फास्फोरस भी बोलते हैं, अरे गधेड़े ये भी पाए जाते हैं। इसका मान क्या होता है, कम होते हैं। तो सबसे ज्यादा अब इसमें क्या है बताओ, पोटेशियम। और इधर कौन है, इधर कौन है, सी। अब ये बताओ बीज अंकुरण के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए आपको पूछ रहा है टेम्परेचर, सीड जर्मिनेशन टेम्परेचर। तो बताओ कितने टेम्परेचर, इसको गर्मी पसंद है तो कितना चाहिए बताओ, 25 से 30। कितना चाहिए, 25 से 30। फल उत्पादन के लिए उपयुक्त टेम्परेचर, टेम्परेचर फॉर फ्रूट प्रोडक्शन, देखो इसमें फ्रूट आ गया ना, फ्रूट प्रोडक्शन, तो इसके लिए कितना चाहिए, 24 से। और मैंने बताया था जिसका फल खाते हो उन सब्जियों का टेम्परेचर कितना रखोगे, 24 से 28। एकदम सेम कॉन्सेप्ट। अब आपका आ गया बीज दर, तो कितना है बताओ, 3.5 से 5। जब बीज कौन लोगे, छोटकिनिया, और बड़ा बीज लोगे तो थोड़ी वजन ज्यादा हो जाएंगे, कितने है, 5 केजी, 3 से 3.5 स्मॉल के लिए और 5 केजी बड़ा के लिए। तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं बताओ, 3.5 से 5। 5 केजी लोगे जब बीज कैसा रहेगा, बड़ा, और बीज जब छोटा रहे तो कितना लोगे, 3.5 केजी। पानी की मात्रा कितना बता दिया हूं, 92 से 95। इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, विषैला पदार्थ होता है, उस विषैला पदार्थ का नाम क्या है बताओ, सेरेटोनिन। क्या नाम है, सेरेटोनिन। ये याद रहेगा,
सेरेटोनिन किसमें पाए जाते हैं बताओ, तरबूज में। सिनग्रीन किसमें पाया जाता है, कोल क्रॉप में। सोलासोडीन किसमें पाया जाता है, बैगन में। सापोनिन किसमें पाया जाता है, पालक में या टमाटर में। ठीक है, अब आते हैं कड़वाहट। अगर इसकी पंजेंसी की बात किया जाए, कुकर बीट्स में पंजेंसी की बात किया जाए, तो ये होते हैं कुकर बीटीसीन के कारण। किसके का ये बहुत बार एग्जाम में आया है, किसके कारण? कुकर बीटीसीन के कारण। तरबूज को नदियों के पेटे में लगाते हैं, जिसको हम कौन सा खेती कहते हैं? दियारा कल्टीवेशन। जिसमें कब करते हैं बताओ दियारा कल्टीवेशन? दिसंबर और जनवरी में। बुआई आपको बता दिया, कब कब करोगे? फरवरी और मार्च। लेकिन राजस्थान में कब करते हैं? अगस्त और सितंबर में। कब करते हैं बताओ? अगस्त सितंबर में। इसका पीएच, हर एक सब्जियों का पीएच अभी तक यही मैंने पढ़ा, बताओ कौन कौन? मिर्च का पीएच, इसको भी गर्मी पसंद है, यही चाहिए। बैगन का पीएच आपको थोड़ा कम कर सकते हो, यही चाहिए। टमाटर का पीएच थोड़ा ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि ये मिट्टी 4.5 से लेकर के ये 8.5 तक ग्रो कर सकता है। कौन? सब्जियों में ध्यान रखना, सबसे ज्यादा वेरिएशन आते हैं टमाटर में। किसमें आते हैं? टमाटर में। इसको और 5.5 से रख सकते हो, 6.5 भी रख सकते हो, दोनों मिट्टी में ये ग्रो करते हैं। और फलों की बात करें तो वो अमरूद। कौन है बताओ? अमरूद को किसी भी मिट्टी में लगाओगे, आराम से हो जाएंगे। तो ये फलों में कौन है जो सब जगह हो सकता है? अमरूद। और ये कौन है? टमाटर। टमाटर भी आप लगाओ तो सब जगह आ जाएंगे इसका। और भिंडी का पीएच आपको यही पढ़ाया, यानी सब्जियों का पीएच याद करने का सबसे अच्छा तरीका 6.5 से लेकर 7.0 के बीच, या 6 से 7, बस ये लगभग सब्जी इसी में आ जाएंगे। और किसका पीएच कम होता है? तो जो पानी की मांग ज्यादा करेगा, जैसे आलू पानी की मांग क्या करता है? ज्यादा। तो इसका पीएच होते हैं 5.5 से लेकर कितना? 6.5। कोल क्रॉप जितने भी होते हैं, इसका कितना होगा? 5.5 से लेकर 6.5। इसको पानी क्या चाहिए? ज्यादा। तो इसकी पीएच थोड़ी सी होगी कम। क्या होंगे? कम। अब आ जाते हैं मैच्योरिटी इंडाइसेस। क्या नाम है बताओ? मैच्योरिटी इंडाइसेस, जिसको बोलते हैं परिपक्वता अवस्था। क्या बोलते हो? परिपक्वता अवस्था। ये कौन है? डल साउंड। डल साउंड ठोकने से डल आवाज। तो ये हो गए परिपक्वता। मैच्योरिटी को कौन बताता है कि अब मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, इसको तोड़ लो? तो ये कौन है? डल साउंड। मैंने बताया था ये तरबूज। और तरबूज के यहां पे कैसा बन जाएगा जमीन पे? सफेद पीला का कॉम्बिनेशन। 10 बार तो पढ़ा चुका हूं रे। अगला ये देखो, अब इसमें आ रहा है मेटालिक साउंड। ये मेटालिक नहीं है, ये तो हल्का पीला आ रहा है, इसका मतलब ये परिपक्व है। मेटालिक साउंड का मतलब खटखट की आवाज आएंगे धातु के जैसा। ये है इमेच्योर। कैसा है बताओ? ये अभी पका हुआ नहीं है। भंडारण कितने डिग्री पे करोगे? स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज करेंगे हम 2 से 4 डिग्री। बीज दर फिर आ गया कितना? 3.5। ये है तरबूज का बीज, देख लियो तरबूज का बीज चले आ गया। अब हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी की। ये बहुत अच्छी वेराइटी है, जिसका नाम क्या है बताओ? बेदाना। क्या नाम है? नाम से ही पता है, बेदाना का मतलब बिना दाना। बेदाना का मतलब क्या है? और बिना दाना का मतलब, अंग्रेज लोग इसको बिना दाना लिखेगा ना तो गुस्सा करेगा वो, तो इसको बोलते हैं सीडलेस। और इसको बनाया था डॉक्टर कियारा ने, कियारा की हारा ने, कियारा डॉक्टर की आरा ने, ऐसा ही करना। अब ये किसके किसके बीच का क्रॉस है तो जरा समझो। ये है टेट्रा टू एंड पूसा रसल के बीच। किसका क्रॉस है बताओ? टेट्रा टू एंड पूसा रसल। अब आप समझना इससे कितने अच्छे प्रश्न बनते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेगा, टेट्रा टू किसकी वेराइटी है? तरबूज की। किसकी है? पूसा रसल किसकी वेराइटी है? अब हमें समझना ये बीज रहित कैसे बनते हैं। अरे भाई, सारे कुकरबिट्स का एक खास बात क्या है? आप खीरा को देख लो, ककड़ी के देखो, करेला का देख लो, सभी के गुदे में बीज धसा हुआ रहता है। सब में बीज क्या है? धसा हुआ। केवल एक ही कुकरबिट्स ऐसा बताया जिसमें एक बीज पाए जाते हैं, वो कौन था? चोचो। चोचो में केवल कितने बीज हैं? एक। अब बाकी में बीज भरा रहेगा। अब इसको सीडलेस बनाने के लिए सबसे पहले पूछेगा टेट्रा
टेट्रा का मतलब क्या होता है? चतुर्थ गुणित, और पूसा रसल ये है द्वि गुणित। इन दोनों का क्रॉस किया गया, अब जब इससे युग्मक बनेंगे, गैमेट्स बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2x, और ये क्या होंगे? x। जैसे हम लोग हैं, हम लोग में क्रोमोजोम की संख्या कितनी है? 46। लेकिन जब हम में युग्मक बनते हैं शुक्राणु तो कितना हो जाता है? 23। तो ये भी 4x से कितना हो जाएगा? 2x, और 2x से कितना हो जाएगा? x। अब ये आपस में क्या होंगे? मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? 3x। और 3x को क्या बोलोगे? ट्रिप्लॉयड। क्या बोलेंगे? और इस ये ट्रिप्लॉयड ही होता है सीडलेस। कैसा होता है बताओ? बीज रहित, यानी कि सीडलेस। तो अगर पूछा जाए कि ये जो बेदाना है ये कैसा है, तो ये बोलोगे ट्रिप्लॉयड है। 2n बराबर 3x इक्वल टू, गुणसूत्रों की संख्या बताओ। अरे सर ने बताया इन्हें, 2n बराबर तरबूज में कितना होता है? 22। तो कैसे लिखते हैं? 2n बराबर 2x इक्वल टू कितना? 22। x का मान कितना आया? 11। यहां कितने x है? 3x। तो यहां मान कितना बनेगा? 33। तो ये ध्यान रखना, पूसा बेदाना में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 33। तरबूज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 22। बेदाना कितना है? त्रिगुणित। कैसा है? त्रिगुणित। किसके किसके बीच बना है? टेट्रा टू और पूसा रसल के बीच। किसके बीच बना है? टेट्रा टू और पूसा रसल के बीच। अब आगे बढ़ जाए, अब आते हैं कुछ वेराइटीज सुगर बेबी। ये याद रखना, नाम से ही पता है सुगर बेबी, सुगर बेबी। तो ये पूछा गया है प्रश्न बहुत बार कि सुगर बेबी, नाम से ही पता है सुगर का मतलब होता है चीनी। तो ये क्या होगा? स्वीट वेराइटी है, स्वीट वेराइटी, स्वीट वेराइटी, अत्यधिक मीठा लगेगा। क्या नाम है बताओ? सुगर बेबी। इसके पहले एक पढ़े जिसका नाम क्या है? सीडलेस वेराइटी पढ़े थे, उसका नाम क्या था? पूसा बेदाना। कौन नाम था बताओ? पूसा बेदाना, पूसा बेदाना। दूसरा क्या है? सुगर बेबी। इसकी कैरेक्टर क्या है? ये देख रहे हो ना, मीठा होंगे। कैसा होगा? अब आपको बताता हूं, दुर्गापुर जो शब्द आ जाए, ये बड़ा अच्छा है। क्या मैंने बोला बताओ? अगर कहीं लिखा रह जाए दुर्गापुर, क्या लिखा रहेगा? वेराइटी में दुर्गापुर, तो ये समझना है तरबूज की, किसकी वेराइटी। और अगर लिखा रहे मधु, मधु, तो ये याद रखोगे मस्क मिलोन। अंग्रेजी में लिख देता हूं इसको, मस्क मिलोन, तो याद रह जाएगा मस्क मिलोन, मधु, मस्क मिलोन, मधु, मस्क मिलोन। और दुर्गापुर रहे तो ये किसकी है? तरबूज। अभी आपको चार पांच वेराइटी में दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने याद कराया आपको दो ट्रिक की, दुर्गापुर लिखा रहे तो क्या समझोगे? तरबूज। और मधु लिखा रहे तो क्या समझोगे? मस्क मिलोन। लेकिन एग्जाम में ऐसा आ जाए, बताओ जरा एक वेराइटी बताना, दुर्गापुर मधु, दुर्गापुर मधु, तो मैंने क्या बोला? अब तो कंफ्यूजन हो गया, तो ये देखना है मधु किसके लिए बताया हूं? मस्क मिलोन। तो ये किसका है बताओ? मस्क मिलोन की। किसकी ये वेराइटी? मस्क मिलोन। अब बताओ दुर्गापुर केसर किसकी है? पछेत्ती वेराइटी, लेट वेराइटी है। क्या नाम है बताओ? दुर्गापुर केसर। दुर्गापुर मीठा आ जाए तो इसका गुदा कैसा होता है? येलो कलर। कैसा होता है? येलो कलर का कौन है? दुर्गापुर। तो याद रखोगे दुर्गापुर शब्द आते हैं किसका याद करेंगे? तरबूज का। बताओ तरबूज की चार वेराइटी मैंने याद करा दिया, एक तो पूसा बेदाना सीडलेस होते हैं, सुगर बेबी जिसमें मीठापन क्या होगा? ज्यादा। दुर्गापुर आते हैं किसकी वेराइटी हो गई? दुर्गापुर आते हैं तरबूज का। अगला, अब यहां से तीन वेराइटी और याद रखना, अर्का मानिक बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी। अर्का मानिक ये होते हैं पाउडरी माइल्ड्यू रेसिस्टेंट वेराइटी। क्या है ये बताओ? पाउडरी माइल्ड्यू रेसिस्टेंट। थार, थार से लग रहा है ना ऐसा कि सूखा प्रदेश के लिए, तो ये है सूखा प्रतिरोध, यानी कि ये होते हैं एरिड रेसिस्टेंट, एरिड रेसिस्टेंट। क्या नाम है बताओ? थार मानक, थार मानक। अगला यसाही यामटो, ये लग रहा है जापान से आई, ये अपने लिए कोई मतलब छोड़ देना। इंप्रूव्ड सीयर, अर्का ज्योति, मोहिनी, ये सब हमारे कोई काम का नहीं। तो तीन वेराइटी ये, और उधर क्या क्या लिखा था? पूसा बेदाना, और बताओ सुगर बेबी, सुगर बेबी, और मैंने बोला था दुर्गापुर, ये इंपॉर्टेंट है दुर्गापुर केसर, एओ के एग्जाम में आया हुआ आपके, दुर्गापुर केसर। दुर्गापुर वाले हो गए,
एक अर्का माने कि ये चार तो याद रखना कम से कम, बाकी आपकी इच्छा है कर लो तो कर लो। ये चार एक थार मानक, थार मानक किसके है बताओ, तरबूज की, और किसके लिए रसिस्टेंट है, सूखा। अर्का मानिक किसके लिए है, पाउडरी मैल्ड। अगर पूछा जाए कुकर बीट्स की सबसे घातक बीमारी, कुकर बीट्स की सबसे घातक बीमारी तो यही है पाउडरी मैल्ड्यू। क्या है, पाउडरी मैल्ड्यू। और सबसे घातक कीट की बात करें, इंसेक्ट की बात करें, तो वो है रेड पंपकिन बीटल। बाद में दिखाऊंगा अभी, क्या नाम है, रेड पंपकिन बीटल, जिसको बोलते हैं लाल कद्दू भ्रंग। क्या बोलते हैं, लाल कद्दू भ्रंग। अभी आपको दिखाऊंगा, कद्दू में लाल लाल देखा होगा कीड़े लगे हुए, नहीं देखा है कभी। सब चीज मैं ही दिखाऊं रे, ये ऐसे वाले कीड़े देखे हो कद्दू पे, कद्दू लौकी पे ऐसे खूब रहते हैं ये लाल लाल वाले, तो इसका नाम क्या है बताओ, रेड पंपकिन बीटल, लाल कद्दू व्रंग। ये, और एक और है इसके दोस्त जिसका नाम क्या है, फ्रूट फ्लाई। ये फल मक्खी कहाँ कहाँ लगते हैं, अब मुझे लास्ट बार बता दो। फलों की बात करें तो फलों में ये घातक किसका है, बेर में, और किस में लगते हैं बताओ, अमरूद में। किसका है, फल मक्खी का प्रकोप। और कहाँ लगते हैं ये, कुकर वृक्ष में, कहाँ लगते हैं ये, कुकर वृक्ष में। और बोला जाए तो इसी में, आम में, इसके लिए हम करते हैं वेपर हीट ट्रीटमेंट। क्या करते हैं, वेपर हीट, किसके लिए करते हैं, फल मक्खी के लिए, किसके लिए करते हैं, फल मक्खी। तो ये इंपोर्टेंट पूछ लेगा। चलते हैं हम पीछे की ओर आते हैं जहां हम थे। चले, अब हम आ जाते हैं इसके दो तीन इंपोर्टेंट पॉइंट। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर की बात करूं तो डिजीज डिसऑर्डर में पढ़ा चुका हूं, ये नाम है ब्लोजम इनड्रॉट। क्या है, ब्लोजम इनड्रॉट, यानी अंतिम भाग इसका क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। ये BER, और आपने कहां पढ़ा है बताओ, एक तो पढ़ा आप कुकर बीट्स में, कहां पढ़ लियो, कुकर बीट्स में, और ब्लोजम इन ड्रॉट कहां पढ़े हो बताओ, टमाटर में, और ब्लोजम इन ड्रॉट हम कहां पढ़े हैं, मिर्च में। क्या पढ़े हैं, मिर्च में, ब्लोजम इन ड्रॉट। एक पढ़ोगे अभी लास्ट में, राजमा में। राजमा को क्या बोलते हो, फ्रेंच बीन। क्या बोलते हैं, फ्रेंच बीन का मतलब क्या है, राजमा। ये क्या है, चिली। ये क्या है, टोमेटो। यानी टमाटर में क्या होता है, ब्लोजम इन ड्रॉट, कुकर बीट्स में क्या होते हैं, ब्लोजम इन ड्रॉट। और ब्लोजम इन ड्रॉट का मेन कारक होता है तत्वों में कैल्शियम, और इधर उच्च तापमान, टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज्यादा, तब क्या होता है, ब्लोजम एंड रॉट। खत्म कहानी, ब्लोजम एंड रॉट, कहां कहां ब्लोजम एंड रॉट देखे, टमाटर में, चिली में, फ्रेंच बीन में, और कुकर बीट्स में। इस तरह के अंतिम भाग सड़ जाएगा, इसको हम बोलते हैं, देखो ब्लोजम का मतलब होता है फल, इंड का मतलब होता है अंतिम भाग, और रॉट का मतलब होता है सड़ना, रॉट का मतलब सड़ना, तो ये अंतिम भाग सड़ जाएंगे। तो डिसऑर्डर में आपको दिखा दिया, अब हम आते हैं एक बीमारी जिसका नाम क्या है, इसका पाउडरी माइल्ड्यू। क्या है, पाउडरी माइल्ड्यू, तो इमेज देख लो, पाउडर जैसा संरचना, पत्तियों पे इस तरह से लगे आटा कोई छिड़काव कर दिया है, इसको हम बोलते हैं पाउडरी माइल्ड्यू, चूर्णिलासिता। अगर पत्ती पे इस तरह आटा आटा जैसा संरचना रहेगा तो फोटोसिंथेसिस क्या होंगे दोस्त, कम, जिससे फल की आकार क्या हो जाएगा, छोटा। पाउडरी माइल्ड्यू होने से फल की आकार छोटा, और ये होते हैं फंजाई से, किससे होता है, फंजाई, जो आपको डिजीज में पढ़ा चुका हूं। अगला है डाउनी माइल्ड्यू, पत्तियों के नीचे हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, डाउनी माइल्ड्यू। ये है बड नेक्रोसिस। तीसरा जो बीमारी है उसका नाम क्या है, बड नेक्रोसिस, और ये सबसे ज्यादा अटैक करता है किसको, वाटर मिलोन का, और होता है किससे, वायरस से, और वायरस को ले जाने वाला कौन है, एफिड। कौन है तो बताओ, बट निक्रोसिस किससे होते हैं। अब प्रश्न क्या आएगा जरा इधर लिख देता हूं, तरबूज की सब कुकर बीट्स की घातक बीमारी बताओ, कुकर बीट्स की सबसे घातक बीमारी पाउडरी माइल्ड्यू। पाउडरी माइल्ड्यू सबसे कम किसको प्रभावित करता है, सबसे कम किसको प्रभावित करेगा, तो सबसे कम करता है तरबूज को। ये मैं सारे कुकरबिट्स का बता दिया हूं। अच्छा, कीट कौन है बताओ, कीट है रेड पंपकिन बीटल, और ये सबसे कम, ये लिखना जरूरी है, सबसे कम किसको प्रभावित करता है, तरबूज को। याद रह जाएंगे, ये तरबूज में बहुत कम बीमारी लगते हैं।
बीमारी भी कम लगता है, कीड़े भी कम लगते हैं। किसमें? तरबूज में। लेकिन तरबूज को नुकसान कौन पहुंचाता है? तरबूज को ज्यादा हार्म कौन करेगा? नुकसान ये करता है बड नेक्रोसिस। कौन करता है? तो पूछा जाए बड नेक्रोसिस ज्यादा किसमें लगते हैं, तो ये लगते हैं तरबूज में। याद रहेंगे ये पॉइंट, फिर से मैं बोलता हूं, कुकर बीट्स की सबसे घातक बीमारी कौन है? पाउडरी माइल्ड। ये सबसे कम किसमें लगते हैं? तरबूज में। ये तो कुकर बीट्स पढ़ा रहा था इसलिए इसका एक जनरल पढ़ा दिया, बाकी सब जगह बीमारी अब नहीं आएंगे। कीट कौन है? रेड पंपकिन बीटल। ये भी सबसे कम किसमें लगता है? तरबूज। तरबूज को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? बड नेक्रोसिस। कौन है? अब बड नेक्रोसिस का वाहक कौन है? एफिड। कौन है वाहक? एफिड। ये हो गए बड नेक्रोसिस। रेड पंपकिन बीटल करवा दिया, फ्रूट फ्लाई करा दिया, ये हो गए आपके ऑनलाइन कोर्स सारे हैं ये। थैंक यू। अब हम आते हैं एक बार जल्दी से फटा से 2 मिनट में पूरी को रिवीजन करें फटाफट। तैयार हैं आप लोग? चले 5 मिनट में आ जाओ, जल्दी जल्दी रिवीजन वाले इंपॉर्टेंट। ये भी मैं डाल देता हूं, देख ले वीडियो में, कि 5 मिनट तो कम से कम पढ़ लोगे, पूरी बोर नहीं होना है तो ये पढ़ लेंगे। बताओ तरबूज, तरबूज का बोटनिकल नेम क्या है? सिटलस लेनेटस। फैमिली क्या है? कुकरबिटेसी। ऑरिजिन कहाँ है? ट्रॉपिकल अफ्रीका। कौन सा भाग खाते हो? फल। गुणसूत्रों की संख्या 22 और सीड रेट 3.5 से 5। अगर बीज बड़ा होगा तो कितने? 5। अगर बीज छोटा होगा तो कितने? 3.5 kg। तरबूज में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं? सी। कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में? के। सर्वाधिक जल किसमें होता है? तरबूज में। कितने होते हैं? 92 से 95। इसमें विषैला पदार्थ होता है जिसका नाम है सेरेटोनिन। कोल क्रॉप में सिनग्रीन। बैगन में सोलासोडीन। टमाटर पालक में सापोनिन। कौन है? सापोनिन। इसके फल प्रकार की बात करें तो वो क्या है? पेपो। तो जो 17-18 कुकर बिट्स पढ़ाया सबका क्या होगा? पेपो। इसको बेलड़ी या लत कहते हो। आपको गुणसूत्र के लिए याद कराया, खीरा के तिलक पे टिंडा पेठा मुस्कुराया, और खुरदरी चिकनी खुरदरी लिख सकते हो, चिकनी खुरदरी ने क्या लड़ाया? चोच। और ये कद्दू आ गया, ख से खीरा, त से तरबूज, ल से लौकी, क से कद्दू, प से, इन सब के गुणसूत्र यहां से यहां तक 22, खीरा का 14, टिंडा का 24, पेठा का 24, मस्क मिलन 24, चिकनी खुरदरी 26 और नसदार खुरदरी इसका 26 और चोचो का 28 और कद्दू का 40। अगला बीज दर, जनरली बीज दर कितने होते हैं? 3.5 से 5। कम किसका होता है? खीरा, खरबूज, कद्दू, ककड़ी। ज्यादा किसका होता है? लौकी और टिंडा। और जनरली आपको 3.5 से 5 ये बीज दर। क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक में फलों में जो मीठा होते हैं, इधर खट्टा और कड़वा होते हैं। इधर याद रखना है खीरा, तरबूज, मिर्च, कद्दू कैसा है बताओ? नॉन क्लाइमेट्रिक। उधर टमाटर, खरबूज, बाकी जो बचे हुए हैं वो कैसा होगा? क्लाइमेट्रिक। दियारा खेती क्या होते हैं? नदियों के किनारे ऑफ सीजन में, तो इसको क्या बोलते हैं? दियारा। जिसकी बुआई कब करते हैं अपन बताओ? दिसंबर और जनवरी। नंबर वन दियारा खेती के लिए कौन है? मस्क मिलन। कौन है? मस्क मिलन। पीजीआर का उपयोग कितने पे? 2 से 4 पत्ती। कौन सा विटामिन ज्यादा? सी। कौन सा एलिमेंट ज्यादा? के। बीजों के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना? 25 से 30। फल उत्पादन के लिए पूछा गया है 24 से 28। बीज दर 3.5 से 5। पानी की मात्रा 92 से 95। विषैला पदार्थ सेरोटोनिन, पंजेंसी, कुकरबिटेसिन के कारण। किसके कारण? कुकरबिटेसिन। पीएच कितना होगा? 6.5। कितने हैं? 6.5। परिपक्वता अवस्था को डल साउंड, परिपक्व मेटालिक साउंड, अपरिपक्व भंडारण 2 से 4। बीज दर 3.5 से 5। किसमें? पूसा बेदाना। किसने बनाया था? कियारा ने। किसके किसके बीच? टेट्रा 2 और पूसा रसल। कैसा है? त्रिगुणित। त्रिगुणित होगा तो बीज रहित। सुगर बेबी में क्या होता है? मिठास ज्यादा। दुर्गापुर लगा रहे तो किसकी वेराइटी? तरबूज की। मधु लगा रहे तो मस्क मिलन। अर्का मानिक किसकी वेराइटी है? तरबूज का। किसके लिए रसिस्टेंट है? साक्षा रोग। थार मानक सूखा प्रतिरोध। नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करें इसमें तो ब्लोजम इन ड्रॉट किसके कारण? हाई टेम्परेचर। और कहां होते हैं? कुकरबिट्स में, टमाटर में, मिर्च में और राजमा में। डिजीज इसमें कम लगते हैं, पाउडरी माइल्ड्यू इंपॉर्टेंट डिजीज है जो इसमें लगते हैं, और डाउनी माइल्ड्यू हो गया। बड नेक्रोसिस तरबूज को ज्यादा नुकसान करता है, जबकि पाउडरी माइल्ड्यू और
रेड पंपकिन बीटल इसको कम नुकसान पहुंचाते हैं। बड नेक्रोसिस का वाहक पूछा जाए तो कौन है? एफिड। ये हो गए आपके रेड पंपकिन बीटल और ये हो गया आपका फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई और किसको अटैक करता है नुकसान? बेर, अमरूद, कुकरबिट्स को। तो ये हो गए आपके इसके रिवीजन समाप्त। ठीक है, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय। ये नोट्स बना रहे हो कि ऐसा ही? तीन बार एक ही चीज को दो बार तीन बार पढ़ा देता हूं, अब भी याद नहीं रहा तो बेकार है, खत्म।